महाराज उग्रसेन की जय। सभा की कार्यवाही आरंभ। उग्रसेन उग्रसेन, तुम्हारे राज्यसभा में मेरे दो अपराधी हैं, मुझे सौंप दो। आप क्या अपराधी और मेरी राज्यसभा में? कौन है वो दो अपराधी? एक ये तुम्हारा कृष्ण, दूसरा तुम्हारा सेनापति कीर्ति वर्मा। ये आप क्या कह रहे तपस्वी? श्री कृष्ण, तुमने और कीर्ति वर्मा ने ऐसा कौन सा अपराध किया? महाराज, ये रुद्रमुखी है, मथुरा के उत्तरी छोर पर जो गांव है वहीं पे अपना आश्रम बनाकर रहते हैं। दो दिन पहले की बात है महाराज, रात्रि के समय मैं महाराज कृत वर्मा के साथ प्रजा का सुख दुख जानने निकला था, तभी तारण प्रभु प्रभु तारण हार बचा लीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, बचा लीजिए प्रभु, बचा लीजिए प्रभु, बचा लीजिए तारण हार, हमारी रक्षा कीजिए, हम बहुत बड़ी समस्या में हैं प्रभु, हमें उस अत्याचारी से बचा लीजिए। कौन अत्याचार कर रहा है तुम पर, कौन कष्ट दे रहा है, नाम बताइए। यदि उसको पता लग गया कि हम सहायता के लिए आपके पास आए हैं तो वो हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। है भी इतना पूरी बात विस्तार से बताइए। तारणहार, मथुरा के जिस कंस को आपने मारा था उससे भी अधिक भयंकर दुराचारी और अत्याचारी है वो, रुद्रमुखी नाम है उसका, हमारे ही गांव में आश्रम है प्रभु उसका, अपनी मायावी शक्ति से सारे गांव वालों को परेशान कर रखा है। ऐसा क्या करता है? उसने ये कठोर आज्ञा दे रखी है कि हम प्रतिदिन उसे एक सुहागन स्त्री भेंट करें, और जिस दिन सुहागन स्त्री नहीं दी जाती उस दिन उसकी तांत्रिक शक्तियां पूरे गांव पर विपत्ति बनकर टूट पड़ती है प्रभु। उसके कारण कितने ही दूध मुए बालक बिन माँ के बिलख रहे हैं, हमारी सुख शांति हंसी खुशी को ली लिया है प्रभु उसने, हमें भय और आतंक के साए में जीने को विवश कर दिया है, हमें बचा लीजिए, बचा लीजिए तारणहार, हमें बचा लीजिए। चिंता मत करो, आप सब निर्भय होकर जाइए, मैं देखता हूं। कृतर्म, मुझे उस तपस्वी के बारे में पूरी जानकारी थी, अपना वेश बदल के उसके आश्रम में जाओ और सत्य पता करो। जो आज्ञा। आंसू मुझे तनिक भी नहीं, तनिक भी नहीं आंसू बहाओगे सर्वनाश होगा। मैंने अपने आंसू पोंछ लिए, उसके बाद आंसू बहाने का कारण पता। तपस्वी, आज जिस सुहागन स्त्री को हम आपके पास लेकर आने वाले थे, आने की बात से इतना डर गई कि सुबह होने से पहले ही उसने आत्महत्या कर ली। अर्थात एक सुहागन की मृत्यु। जी जी तपस्वी। कौन अपशकुन, कौन अमंगल, भयंकर विपत्तियां, सर्वनाश, कहां है उस अभागन की लाश?